मोदी सरकार के वजीर दिफा की एटमी हथियारों के पहले इस्तेमाल की पॉलिसी में तब्दीली। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने धमकी देते हुए कहा कि भारत अब तक न्यूज़ की पॉलिसी पर कायम रहा। ये दुनिया क्या है, ये सवाल ना जाने कितनी बार मैं अपने आप से पूछती हूं, लेकिन जवाब मालूम नहीं। हम कौन हैं, हम कहां हैं, ये माशरा क्या है? क्या इस पे हमारा कोई इख्तियार नहीं? बस जो मिलता है उसे ही अपनी हकीकत, अपनी मंजिल समझ बैठते हैं। ये किस्से, ये कहानियां सब हम ही ने तो लिखे हैं। हमारा कल, हमारा आज, हमारा मुस्तकबिल सब हमारा ही किया धरा है। फिर मायूसी किस बात की, अफसोस किस बात का? ये जो दुख दर्द लिए बैठे हैं, ये हम ही ने तो पैदा किए हैं। सच तो ये है कि बेशक हमारा अपनी पैदाइश, अपने पस मंजर पर इख्तियार नहीं, मगर खुद पर, अपने फैसलों पर और अपने हाल पर पूरा इख्तियार है। ये गलियां, ये मोड़, ये रुकावटें सब बस यहीं रह जाते हैं। फिर खुद की जात का क्या रहता है? दिली इत्मीनान, सुकून। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये सब कैसे हासिल होता है? इसका जवाब भी नहीं है मेरे पास। मर्दानगी, इज्जत, गैरत, ये सिखाया जाता है, मगर इन अल्फाज के मायने हम कहां जानते हैं? हम कहां जी रहे हैं? हम तो बस सांस ले रहे हैं। कितने मुख्तलिफ हैं हम एक दूसरे से, मगर फिर भी कितने करीब। अक्सर ये सुना था कि जिंदगी कुछ पाने कुछ खोने का नाम है, मगर जिंदगी खुद को पाने का नाम है, खुद को खोकर पाना, रास्ता वापस ढूंढने का नाम है। आजकल औरत को आवाज देने का भी काफी चर्चा है। अरे मियां, कहां खोए बैठे हो? आवाज तो हमारी ही थी जो सदियों से गूंज रही है, पर सुनने वालों की तादाद ऊपर नीचे होती रहती है। कुछ समझे नहीं? चलो छोड़ो, समझ जाओगे। I don't. Okay. ठंडी हो गई है, ठंडी। देख क्यों नहीं? अच्छा खासा मेरा बिजनेस है, मैं आपको बिजनेस देना नहीं चाहता, बट क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं आपके लाइन मारने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पॉसिबल नहीं। तो कैमरा में तो हो ही रही हो। 3, 2, 1 यही बात। So आपको लगता है कि हम साथ काम कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जितना आप हंसती हैं उसके बाद